देख करके आया हूँ। पूरे परिवार को प्रताड़ित किया गया, मारा गया। 1 घंटे आधे घंटे तक जिस तरह से वो चौकी स्टाफ ने जो मारपीट की, और महिला पुलिस सिर्फ देखने के लिए हुए थी, वो पूरे चौकी स्टाफ जो 8-12 फीट की दीवार जो फांद करके घर के अंदर घुसे, तो पूरे महिला 75 साल की महिला बुजुर्ग के साथ साथ ये छोटी सी 8-10 साल की बच्ची के निशान है घाव, ये अमानवीकृत। मुझे लगता है कि वो पुलिस पे पत्थर जो फेंकते हैं वो जमाती उसका कुछ कर नहीं पा रही है, और जो सीधा साधा ग्रामीण व्यापारी वर्ग है हमारे साहू समाज का, तो साहू समाज को व्यक्ति के ऊपर अपनी मर्दानगी दिखाने का जो साहस कर रही है, तो ऐसे स्टाफ को, पूरे चौकी स्टाफ को मैं मांग कर रहा हूँ, और एसपी साहब ने मुझे आश्वासन दिया 7 तक उनको सस्पेंड करके दोषियों पे कार्रवाई होगी, और पीड़ित परिवार पे 353 जैसी गंभीर धाराएं, वो तो हम न्यायपालिका का धन्यवाद देते हैं कि इतनी गंभीर धाराओं पे इन बच्चों को, इन परिवारों को, इन महिलाओं को उन्होंने जमानत दे करके, आधार को, सत्यों को आधार के जान करके पुलिस ने जाति से इनके ऊपर 11-11 धाराएं लगाया है। ये धाराओं को भी वापस लेने की मांग हमने की है, आश्वासन दिया। जो झूठी धाराएं लगाई हुई और परिवार में जिस तरह से भय का माहौल है, मैं स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन सबसे ये आह्वान करता हूँ, इनके परिवार में और साथ में वहाँ रहने वाले इनके साथ साथ जो गांव के जो लोग साथ दे रहे हैं, समाज के लोग, अन्य समाज के लोग, ग्रामीण वर्ग को, एक भी आदमी को अगर प्रताड़ित किया गया, तो हम यहाँ जबलपुर से आकर के इस दमोह जिले में बैठ करके यहाँ पे लॉकडाउन के बाद अभी शासन के, प्रशासन के सभी नियमों को पालन करते हुए मैं व्यक्तिगत रूप से उनकी पीड़ा देखी नहीं गई, तो मैं सिंगल आया, और अब आने वाले समय में अगर ये पुनरावृत्ति अगर होती है, तो इसको और आंदोलन पूरा हमारे समाज के साथ किया जाए। उसमें एक पक्ष द्वारा आरोप लगाया गया कि पुलिस 5,000 रुपये लेकर के लॉकडाउन में दुकान खुलवा रही थी और नहीं देने पे मारपीट की गई। इसके संबंध में जांच की जा रही है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए, आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, अभी पुलिस अधीक्षक महोदय ने प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया है और जांच मुझे सौंपी गई है, जिसकी जांच मैं कर रहा हूँ। आने पर जैसे तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।